छीन के लेंगे, है हक हमारा तेरे बाप से लेंगे। वजीर आजम, दिलों के वजीर आजम, हकीकी वजीर आजम, आपका शुक्रिया आबिद मीर, आपका शुक्रिया सईद खान, आपका शुक्रिया टीम एन 126, नंबर वन शो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर का वजीर आजम इमरान खान। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा जरा उस माइक को बंद कर दो वो वाला। अच्छा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा एक चीज खामोशी, एक चीज के देखे आपका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह आप सबको आजाद करता है, आजादी देता है कि अल्लाह के सिवा हम किसी के साथ नहीं झुकेंगे। और मेरे लाहौर के शहरियों, ये जो हम इस्लामाबाद की तरफ निकले, हमारा मकसद जो अपने मुल्क को हकीकी तौर पर आजाद करना है, ताकि हर मेरे पाकिस्तान के शहरियों के हकूक का तहफ्फुज़ हो, कोई जुल्म ना कर सके। जिस तरह आजम स्वाती को उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, शबाज गिल के ऊपर और अरशद शरीफ, अरशद शरीफ जिस तरह उसको धमकियां दी, उसको मुल्क से बाहर जाना पड़ा, अपनी आवाज बाहर जाके उसने राय हक पे खड़ा रहा, और जिस तरह उसको शहीद किया, पाकिस्तानियों वक्त आ गया कि हम किसी किस्म के जुल्म को अब सहेंगे नहीं, हम मुकाबला करेंगे। पाकिस्तानियों वक्त आ गया कि हम किसी किस्म के जुल्म को अब सहेंगे नहीं, हम मुकाबला करेंगे। हम ये जो बंद कमरों में फैसले होते हैं, जो नामालूम टेलीफोन से डराया और धमकाया जाता है, हम एतजाज कौम है, हमने किसी की ना अंदर ना अंदरूनी ना बैरूनी हम किसी को गुलामी करने के लिए तैयार नहीं। और अगर किसी का ख्याल है कि ये चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया और हम इसको तस्दीक कर लेंगे, मुझे मेरे लाहौर वाले बताओ, एक मेरे सवाल का जवाब दो कि क्या ये अमरीकी चमचे, ये अमरीकनों के गुलाम, ये पाकिस्तान के डाकू, क्या आप इनको अपने ऊपर मुसल्लत होने देंगे? इंशाल्लाह आप मेरे साथ खड़े होना और हम इसको तस्दीक करेंगे, मुझे मेरे लाहौर वाले बताओ, एक मेरे सवाल का जवाब दो, क्या ये अमरीकी चमचे, ये अमरीकनों के गुलाम, ये पाकिस्तान के डाकू, क्या आप इनको अपने ऊपर मुसल्लत होने देंगे? इंशाअल्लाह आप मेरे साथ खड़े होंगे और मैं इस्लामाबाद
जब पहुंचूंगा मेरा पाकिस्तान में तैयार हो गया, अब तक तैयार हो गए। मैंने ये फैसला किया कि अगर इन चोरों की गुलामी करनी है उसे कितना मंदिर हम गुलामी है। और आज जिस तरह आप निकले हैं हमारा आपने इस्तेमाल किया, मुझे फखर है कि मैं लाहौर में पैदा हुआ तो लाहौर में आपको सुना। अच्छा आप सारों ने हाथ खड़ा करके हल्फ लेना है, हाथ खड़ा करें सर। मैं यहां से पढ़ूंगा आपने बाबा से बुलंद रिपीट करना, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम हल्फ उठाते हैं जब पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे। हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का तहफ्फुज़ करेंगे कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। और हम हकीकी आजादी के हम हकीकी आजादी के इस जिहाद में आखिर तक इमरान खान के साथ जद्दोजहद करेंगे और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो, आमीन। पाकिस्तान चलो जी।